हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, चकाचक। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, एंड तो कुछ बच्चों के लिए तो गुड नाइट हो रही होगी, है ना? एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जाथिया। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ, 10A पार्ट देखकर आए हो ना? 10A मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एकदम बेसिक्स वाला पार्ट, करीबन आधे घंटे का है। और अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर नहीं भी देखा है, अगर कुछ हल्का फुल्का भी पता है SN2 के बारे में, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर वीडियो देख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, 1.5x में उठाकर देख डालो एक बार यार, है ना? तो चलो, 10B में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि दिस पार्ट इज बेसिकली फॉर JEE NEET एस्पिरेंट्स, ठीक है ना? बोर्ड्स में इससे रिलेटेड शायद ही कुछ आपको मिलेगा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। What are the factors which are affecting SN2 reaction mechanism? तो देखो, SN2 reaction mechanism में आपने last part में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि एक OH minus CH3Cl पर attack करता है in the presence of solvent which is polar aprotic solvent, ठीक है? उसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अटैक मारता है एक सबस्ट्रेट पे। इसका क्या नाम होता है? सबस्ट्रेट। और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है इन्वर्जन के साथ, और साथ में ये जो Cl- होता है, ये एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाता है। ये पार्ट 10A में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस होल रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ वी आर डीलिंग विद द फैक्टर्स इफेक्टिंग, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स दिस रिएक्शन? तो बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि आपका जो पहला फैक्टर होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे फैक्टर में क्या है? सबस्ट्रेट है, यानी कि दूसरा फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। तीसरा फैक्टर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है, यानी कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। चौथी चीज क्या है? प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, लिविंग ग्रुप, तो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो फैक्टर्स याद हो गए होंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स? तो ये फैक्टर्स याद होना भी अपने में बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है तो अगर हमको ये चार फैक्टर्स नहीं याद है तो कब SN2 लगेगी, कब SN1 लगेगी, आपका दिमाग चकरा सकता है। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। आइए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लो, ये 1, 2, 3, 4 रैंडम हमने नंबरिंग करी हुई है, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका होगा वो पहले सबस्ट्रेट को लेकर होगा कि जिस पे अटैक हो रहा है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या लेंगे कि रिएक्शन फास्ट हो, क्या लेंगे जो रिएक्शन स्लो हो, क्या लेंगे कि रिएक्शन हो ही ना, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए वो चीज़ें हम लोग सबस्ट्रेट में पढ़ते हैं, यानी कि पहला फैक्टर हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोगों को पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर हम लोग स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट पे तो रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती रहेगी। ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था,
तो यहां पर इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में उसको मैं इंक्लूड करना चाहूंगा. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट इन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट. क्या स्टेरिक हिंड्रेंस या ये कह लो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप अराउंड द न्यूक्लियोफाइल टू बी डिस्प्लेस्ड तो इफ द स्टीरिक हिंड्रेंस और द बल्की ग्रुप अराउंड द न्यूक्लियोफाइल टू बी डिस्प्लेस्ड इज मोर देन SN2 reaction will decrease. Then SN2 reaction will decrease. Own worldings में है ताकि आपको भी learn करने में समझने में आसानी रहे. तो हम हर एक effect को हर एक point को example के through explain जरूर करेंगे. तो इसका अगर मैं example लूँ point number one का तो उसका example कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर अगर मैं CH3Cl लेता हूँ तो इस कार्बन के अराउंड में तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना बहुत आसान होगा रैदर देन अगर आप यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो. फिर इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आप 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो फिर रैदर देन आप 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड कर दो. यानी कि ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका सिंपल मिथाइल है. तो जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ रही है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप की, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप की, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप की, वैसे वैसे द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन डिक्रीज्ड. तो ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ SN2 इज डिक्रीजिंग. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज द स्टीरिक हिंड्रेंस और द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप. इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में एक दूसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं. पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा एटम्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN2, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2. इंक्रीज वर्ड याद रखना. अगर आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बीटा गामा एटम के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे SN2 रिएक्शन फास्ट होगी. इसको हम सपोर्ट करते हैं बाय टेकिंग वन एग्जांपल. एग्जांपल कौन सा लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl. ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये फिर डेल्टा होता है. लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा बीटा गामा कार्बन से मतलब रहता है. तो देखो बेटा, बीटा और गामा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर हम इसको कंपेयर करें सिंपल CH3CH2CH2CH2Cl से. है ये भी चार कार्बन का, 1 2 3 4, ये भी चार कार्बन का है. इसका नाम है 1-chlorobutane. मैं नंबरिंग उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, चलो नंबरिंग भी सही कर देते हैं. ये लो, इसका नाम है 1-chlorobutane. इसका नाम क्या है, 1-chlorobutuene. लेकिन हो क्या रहा है, बीटा और गामा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है.
अब क्या होता है, क्या लॉजिक होता है पाई बॉन्ड के आने से एस एन टू रिएक्शन क्यों तेज हो जाती है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब यहां से सी एल हटेगा या नहीं भी हट रहा, तो देखो ये पाई बॉन्ड और ये सी एल के बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जब यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ये पाई बॉन्ड उछलकर इधर आने की कोशिश करेगा, या ये कह लो ये क्लोरीन का लोन पेयर इस सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पे जाएगा। तो इन दी ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट आपकी रेजोनेंस से या डीलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज्ड है, तो वो चीज रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस कर देती है। भाई देखो, कोई भी चीज स्टेबल हो रही है तो इन्हेंस तो हो गई। तो बीटा गामा कार्बन के बीच में प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड विल इंक्रीज द रेट ऑफ द SN2। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस मॉलिक्यूल से, और इसकी ज्यादा होगी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस मॉलिक्यूल के साथ। देखो ये कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, है ना, ये कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। या आप ये समझ लो जैसे IUPAC पढ़ते हुए आप लोगों ने कुछ सर्टेन रूल्स याद रखे थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर, बेसिसिटी को लेकर, फैक्टर्स ऑफ SN2 SN1 को लेकर। ये मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा एटम। तो देखो ये तो अल्फा एटम हो गया, अल्फा से ये बीटा जुड़ा है, बीटा से ये गामा जुड़ा है, तो बीटा गामा के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, बीटा और गामा के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है। अब ये ज़्यादा स्टेबल क्यों कर दिया सर आपने, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, तो मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी एंड मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी फॉर SN2। तो ये वाला फैक्टर जीत जाएगा कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि यहाँ पे बट ऑब्वियस की बात है बेंजीन रिंग है ना, तो ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे तो ज़्यादा डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे तो है ही नहीं पाई बॉन्ड कहीं पे भी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इस मॉलिक्यूल की होगी अगर हम इसको इसको कंपेयर करें, और फिर अगर हम इसको इसको कंपेयर करें तो फिर से इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर? इसी चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को लेकर, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को लेकर मेरे पास आपके पास एक और चीज़ है। आप इसको लिख लें तो मैं इसको बिगाड़ दूँ। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 3 की, और ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये बीटा कार्बन को लेकर है। तो थर्ड रूल आपको बीटा कार्बन से रिलेटेड याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, कि इफ एन एटम हैविंग लोन पेयर of electrons or C double bond O group is present at the beta position, then the rate of SN2 increases। क्या रूल है ये? अगर बीटा कार्बन, मतलब बीटा पोजीशन पे, बीटा कार्बन नहीं बोलना चाहिए, बीटा पोजीशन पे अगर कोई ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है जैसे ऑक्सीजन, या बीटा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो ये दोनों के दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में मुकम्मल रहेंगे, कामयाब रहेंगे, इसलिए द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल इंक्रीज। तो रीजन क्या है, सिंस दिस विल स्टेबलाइज
द ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए आपकी जो SN2 का रेट है वो तेज होगा। अब एग्जांपल्स बता देता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल ले लो CH3O CH2Cl। इसकी रिएक्टिविटी SN2 के में ज़्यादा होगी अगर हम इससे कंपेयर करें। दिस फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन दी सेकेंड कंपाउंड। रीजन बीइंग क्या है, Cl के रिस्पेक्ट पे बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा है और ये बीटा पे आपका क्या लगा है, लोन पेयर। तो बीटा वाला एटम है जिसपे लोन पेयर है तो आपका रेट ऑफ SN2 इंक्रीज होगा बिकॉज इट विल एबल टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्फा बीटा, बीटा पे क्या है CH2 है, गामा पे है तो गामा से हमें कोई लेना देना नहीं, गामा पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं। वो जो पिछला रूल था वो अलग था, वो बीटा गामा के बीच में पाई बॉन्ड था वो अलग चीज थी। बीटा कार्बन से लेकर बीटा कार्बन को लेकर हमारे पास या तो बीटा पोजीशन पे एक ऐसा एटम हो जो लोन पेयर डोनेट कर सके या एक ऐसा ग्रुप हो जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस कर सकता है। जैसे CH3CO CH2Cl। तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन कि अगर तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कहीं और पोजीशन पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर गामा पोजीशन पे आया। तो बीटा पोजीशन पे अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ जाए या बीटा पोजीशन पे एक ऐसा एटम आ जाए जिस पर लोन पेयर हो तो वो रेट ऑफ SN2 को इंक्रीज करते हैं। रूल्स को बेटा याद रखते चलना, रूल है रूल है। तो रूल बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हो। सबसे पहला रूल क्या था कि जितनी ज़्यादा शीरिक हिंड्रेंस होगी उतना बेकार रेट ऑफ SN2 होगा। फिर जो दूसरा रूल आया था वो बीटा गामा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये जो तीसरा रूल है ये बीटा कार्बन से रिलेटेड है और बीटा कार्बन में अगर तुम्हारा एक ऐसा आइटम है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है या बीटा पे खुद साक्षात सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ SN2 इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, बीटा कार्बन से रिलेटेड एक बात और कर देता हूं कि इफ बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा पोजीशन, क्योंकि बीटा से रिलेटेड है तो बात कर रहा हूं, इफ बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा पोजीशन देन रेट ऑफ SN2 decreases। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कई बार होता है ना करेक्ट सेंटेंसेज या इनकरेक्ट सेंटेंसेज के तौर पे। तो आप तैयार हो, ये ऊपर वाला पोर्शन अगर कट रहा है तो मैंने बस यहाँ पर इस तरह लिखा है बीटा कार्बन, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट है ये बीटा कार्बन से रिलेटेड है। तो मैंने क्या कहा कि इफ बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा पोजीशन देन द रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ कि दो नियो पेंटाइल क्लोराइड इज अ 1 degree एल्काइल हैलाइड बट इट्स रेट ऑफ SN2 इज वेरी वेरी स्लो। इतना कम होता है, इतना कम होता है उसका रेट ऑफ SN2 की माना जाता है कि 3 degree से भी बेकार होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द केस ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, यही है, क्योंकि नियोपेंटाइल क्लोराइड का अगर आप डायग्राम बनाओ तो क्या बनकर आता है। नियो का मतलब हम समझा चुके हैं आपको कि एक कार्बन चारों तरफ से हर कार्बन से घिरा हुआ है। तो बेटा इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है और बीटा पोजीशन देखो काफी बल्की है। दो ये 1 degree एल्काइल हैलाइड है,
देखो एक्सेप्शनल केस है, दो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसका बीटा पोजीशन इतना ज्यादा बल्कि है कि यहां पे रेट ऑफ एसएन2 बहुत बेकार होगा, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने की कोशिश करेगा इस अल्फा कार्बन पे, तो ये तीनों इसको हिंडर करेंगे। तो बीटा पोजीशन से रिलेटेड, बीटा कार्बन से रिलेटेड या बीटा एटम से रिलेटेड मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, ये रूल था एसएन2 को सबस्ट्रेट के इफेक्ट के अंदर। तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, दिस इज द थर्ड रूल, दिस इज द थर्ड रूल। इस थर्ड रूल के अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्या क्या दो पॉइंट्स हैं। एक ये कि अगर बीटा पोजीशन पे एक ऐसा एटम प्रस्तुत है जिस पर लोन पेयर है, या बीटा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो रेट ऑफ एसएन2 इनहेंस होगी, और अगर बीटा पोजीशन पे बल्किनेस है तो रेट ऑफ एसएन2 डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल नियोपेंटाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव इवन देन द टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, सबस्ट्रेट को लेकर मैं चौथा रूल आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही काम का है, वो बाईसाइक्लो कंपाउंड से रिलेटेड है। ये एक सरल सा एग्जांपल है बाईसाइक्लो कंपाउंड का, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये जो पोजीशन है, ये जो दो मैंने मार्क करी हैं ए और बी, इन्हें ब्रिज हेड्स कहते हैं, ठीक है ना, ब्रिज हेड। तो इफ एनी सबस्ट्रेट कम्स टू यू फॉर द बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड इफ एनी हेलोजन या कोई भी ऐसा ग्रुप है जो ब्रिज हेड पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन अकर एट ब्रिज हेड कार्बन एटम। यानी कि अगर यहां पर कोई क्लोराइड है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन आप सी एन माइनस से करना चाहते हैं, तो आंसर याद रखना, आंसर विल बी नो प्रोडक्ट, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहां से आप सीएल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी एसएन2 नहीं हो सकता, ओ एसपी2 नहीं हो सकता, एसपी2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो ये कुछ बात जो है ये हमारी ब्रेड्स रूल से आई है, ठीक है ना। ब्रेड्स रूल हम लोग कभी किसी दूसरी वीडियोस में पढ़ लेंगे, या अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसने यही कहा था कि ब्रिज हेड कार्बन एटम्स विल नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज, वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहां पे किसी भी तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो अगर आप क्लोरीन को cn- माइनस से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कतई नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज द रूल नंबर फिफ्थ, कि अगर आपका सबस्ट्रेट कोई हेलो अरीन है या विनाइल हैलाइड है, तब भी नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नहीं होगी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करना चाहते हो, याद रखना कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेटा जो सीएल का जो लोन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पे है, तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसको तोड़ना बेहद नामुश्किल
नामुमकिन होता है, अंटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ये सब का प्रयोग ना करो। सिमिलरली विनाइलिक पोजीशन पे भी सब्सटीट्यूशन ना के बराबर होता है। विनाइलिक पोजीशन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो भी हैलोजन जुड़ा होता है, जैसे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ये क्लोराइड जुड़ा है तो ये आपका विनाइलिक क्लोराइड है। और अगर आप सोचें कि इसकी रिएक्शन हम CN- से करें, Cl हट जाए CN- आ जाए, तो नामुमकिन है क्योंकि ये फिर से इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन दिस सी एंड सीएल। सो आप हमेशा याद रखिएगा नो प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये जितनी बातें थी, ये जो पांच रूल्स थे, ये जो पांच पॉइंट्स थे, ये सिर्फ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर है। तो सबस्ट्रेट से रिलेटेड जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। अब आइए फटाफट मिलते हैं दूसरे इफेक्ट पे।